Hey, what's up guys? कैसे हो आप सब लोग? और इस समय ना बारिश आने वाली है. अभी शुरू हुई है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, लेकिन मे भी हो सकता है बादल जिस तरीके से इकट्ठे हैं तो आसार तो हैं बारिश आने के. बहुत बढ़िया. तो भाई बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है तेज, और इस समय मेरा इकलौता फ़ोन है बेचारा. अभी थोड़ी टाइम के लिए नीचे जाना पड़ रहा है, देखते हैं जैसी बारिश रुकते फिर ऊपर आते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, और सोच रहा हूँ मैगी बना लूँ. मैगी बनाता हूँ. मैगी तो बन चुकी है और पूरी कढ़ाई भर के तो नहीं है, कढ़ाई में खाएंगे आज. एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता किसने कहा है मैगी 2 मिनट में बनती है. इतनी तेज गैस के बावजूद भी मेरे को 10-15 मिनट लग गए इसको बनाने में, वो भी एक पैकेट है 10 रुपए का. अगर 2 मिनट में एक ही काम हो सकती है पॉटी, वो हो जाएगी 2 मिनट में. भाई थोड़ी देर पहले अभी कुछ बातें हो रही थी नॉलेज की बड़े बड़ों की. मौसम ऐसा हो रहा है कभी धूप कभी छाँव कभी धूप कभी छाँव, लेकिन जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है. और दूसरी चीज़ ये है यार जो कि मैं बताना चाह रहा था आप सबको, जो लोग अभी भी देखो कर्फ्यू में बाहर निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा और अभी भी मान नहीं रहे जब तक डंडे नहीं पड़ रहे उनको. तो एक बार बताओ जब तक डंडे नहीं पड़ते आपको तो तब तक क्या मानते नहीं हो आप? समझ में नहीं आता यार कि जब घर में रहने को बोला है तब लोग सारे बाहर निकल रहे हैं, और जब बाहर निकलते हैं ऑफिस जाते हैं ऑन ड्यूटी रहते हैं तो उनको छुट्टी की लगी रहती है कि भाई छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए. यार जब छुट्टी इतनी सारी मिल गई तो इसको एंजॉय करो यार, घर पे बैठ के मस्त बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ बढ़िया बढ़िया गेम्स खेलो, इंडोर्स गेम्स खेलो. या इंडोर्स गेम की भी कोई कमी नहीं है, बतेरी गेम्स हैं इंडोर्स गेम अगर आप देखोगे तो. मैं आपको बता दूं कि इंडोर्स गेम में भी पता है बहुत सारी गेम्स होती हैं. कैरम बोर्ड है, लूडो है, अपना आपका खुद का फ़ोन है, फ़ोन में ही बतेरी गेम्स हैं, कंप्यूटर है, पीसी है यार सबके पास. तो इंडोर्स गेम की कमी क्या है? कहीं पे भी कमी नहीं है यार. जिन लोग को यार तशरीफ़ अपनी लाल करवानी है सुजानी है तो वो तो शेप भाई वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, जिन लोग को बाहर जाना है. दूसरी चीज़ जो लोग घर पे बैठे हैं तो मैं तो उनसे कहूँगा भाई सेफ्टी बरतो. अपने सबसे पहली बात तो जो चीज़ आपके पास हमेशा जो हमेशा आप यूज़ करते हो ना वो चीज़ कौन सी है जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो और सबसे गंदी वही रहती है चीज़? तो वो चीज़ आपका फ़ोन है. अपने फ़ोन को भाई साफ़ रखो, क्योंकि मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन को पूरा साफ़ किया है, सैनिटाइज़ किया है, उसके बाद मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अपने पूरे स्टैंड को भी मैंने साफ़ किया भी है. अपना ध्यान रखो, सेफ्टी रखो, और हाथ धो. सेकेंड तक बोला है गवर्नमेंट ने कि कम से कम नहीं तो 20 सेकेंड तक हाथ धो, लेकिन उसमें भी आप क्या करो, उसमें भी ये करो कि भाई ये नहीं कि नल चालू करके आप हाथ धोने लग गए हो, लेकिन नल चालू करके तो पानी वेस्ट हो रहा है. नल बंद कर दो, हाथ धो 20 सेकंड तक, और फिर उसके बाद नल चालू करके हाथ धो लो, उसके बाद फिर सैनिटाइज़र यूज़ करो. तो भाई सेफ्टी आपके हाथ में है, जितना आप उस चीज़ को सेफ रख सकते हो, जितना नेचर बचाओ. या नेचर कितना सुधार में आ रहा है यार, अगर आप इस समय की देखोगे ना एयर पॉल्यूशन को तो भाई सबसे साफ नज़र आ रहा है, सबसे साफ, और कितना आसमान भी साफ नजर आ रहा है, और धूल मिट्टी एक धूल मिट्टी नहीं उड़ रही. तो यार जितना हो सकता है नेचर के ऊपर भी थोड़ा काम करो. फिलहाल में तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनी भी कोई भी नहीं फ्लाई कर रही है. जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें से भी देखो सिर्फ बसेस को थोड़ा बहुत अलाउड किया है चलने के लिए, लेकिन उस चीज़ से कितना सुधार है यार आज की डेट में, अभी की डेट में बहुत सुधार है. पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है. और अगर आप ट्रैफिक को लेकर चलेंगे ना तो ट्रैफिक तो भाई साहब जिस जगह को जाने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं उस जगह को आप आधे घंटे या 1.5 घंटे में कवर कर लोगे. इतना सुधार भाई, तो थोड़ा काम करना चाहिए यार. पूरा इश्क मिजाज मौसम हो रहा है, इश्क मिजाज
इश्क वाला मौसम। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जिन लोग के पास कुछ काम नहीं है ना, वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि भाई साहब जो यूट्यूब का जो मैं आपको बताऊँ, इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी खुद यूट्यूब पे आ गए हैं। क्योंकि देखो फिल्म इंडस्ट्री में रोज़ फिल्में बन नहीं रही हैं, वन टाइम एक फिल्म बनती है, फिर एक साल बाद फिल्म बनती है, फिर उसके बीच में कभी बन गई। मैं उस चीज़ को नहीं देख रहा, लेकिन भाई एक्ट्रेस हैं और एक्टर्स हैं और सेलिब्रिटी बड़े बड़े हैं, वो खुद यूट्यूब पे आ रहे हैं यार, खुद यूट्यूब पे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पता है अभी इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, इंस्टाग्राम के अंदर दिशा पाटनी को मैंने देखा था, दिशा पाटनी ने भी चैनल बनाया अपना, वो भी यूट्यूब पे है भाई। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो यूट्यूब का ट्रेंड देखो कितनी और दूर तक, कितना मतलब कितना अच्छा फ्यूचर है भाई। ट्रेंड इतना है यूट्यूब में, तो भाई ट्रेंड की भाई दुनिया में कमी नहीं है, कोई सा भी चल सकता है। लेकिन बहुत से लोगों में यार ये चीज़ें होती है कि क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, लेकिन यार आप अपना काम करते चलो, किसी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मर्जी सामने वाला बंदा बोल रहा हो, किसी को कोई अच्छा लग रहा हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। और बारिश बहुत तेज़ नहीं आ रही, अभी शुरू हुई है बूंदाबांदी दोबारा, तो देखते हैं नीचे जाने के आसार लग रहे हैं। तो भाई ये चीज़ है कि मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई जो जितने भी खाली बंदे बैठे हैं ना, काम करना चालू कर दो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना चालू कर दो। क्योंकि भाई धीरे धीरे चालू करोगे, फिर फेमस होगे, फिर धीरे धीरे आप ग्रोथ करोगे। और खाली बैठना आपको पसंद नहीं है तो ये काम कर लो भाई, घर पे आसान है ये काम करना। मैंने आपको जो सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए हैं, मे बी आपको अच्छे लगे होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छे लगे हैं। तो सिनेमैटिक शॉट्स अगर अच्छे लगे हैं ना, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर बहुत करते रहो भाई। हम जैसों को तो फेमस होना बहुत ज़रूरी है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो तो पहले ही फेमस है, हम जैसों को फेमस होना बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे हो यार, गेम खेलने के लिए किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उठा के खेलते रहो। अभी तो इससे पहले हमने एक गेम और निकाला था, लेकिन वो दिखाया नहीं भाई। धूप बहुत तगड़ी निकल आई है, बहुत ज़्यादा, और अब तो मन भी नहीं कर रहा, सॉरी ज़्यादा लग गया, मतलब धूप ज़्यादा निकल आई है और मन भी नहीं कर रहा छत पर रहने का। तो सबसे मेन थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया, इतने भी बाहर जानवर घूम रहे, गाय वगैरह घूम रही है, तो भाई अब अपन लोग तो घर पे कैद हैं, उन लोग को खाना खिलाना फ़र्ज़ भी हमारा ही बनता है भाई। तो क्या करो, आपके घर में छोटा मोटा बिस्किट का पैकेट होगा, या फिर गली में ही कोई छोटी मोटी दुकान होगी, तो उनको जाकर खिलाओ। क्योंकि यार वो बेचारे हमारी वजह से भूखे बैठे हैं वो भी, और हम ही लोग खिलाने वाले हैं, तो उनको भाई जा कर के खिलाओ, और उनको भी थोड़ा पेट भराओ, उनका भी पेट भरो, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। क्योंकि वो बेचारे हमारे भरोसे गलियों में है, वो गली में उनको कौन देगा खाना। तो भाई दो जाके बैठे मत रहो ऐसे। ये देखिए टाइम पास का सबसे बढ़िया तरीका, जो बचपन में हम देखते थे टॉम एंड जेरी। आइडिया भी अच्छा है, टॉम एंड जेरी देखो सब लोग बैठ के यूट्यूब पे बैठ के टॉम एंड जेरी देखो अपने टीवी पे, और इंजॉय करो यार। तो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ नीचे, और पूरे दिन में इतनी मौज करी, गेम खेली, कभी कुछ खेला, तो भाई जो आप देख ही चुके हो। और अब बारिश का मौसम हो गया है, तो नीचे आ गया हूँ मैं। टोटली जो भी है मज़ा आया, पूरे दिन मैं बिज़ी रहा, और आप भी बिज़ी होने की कोशिश करो। और ये ध्यान रखना कि आपके आसपास जो बंदे हैं, या जो लोग रोज़ का कमाना था, रोज़ का खाना था, उन लोगों पे बहुत ध्यान देना। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपके गली के जानवर है जो भी है, वो खाना उनको देते रहो,
क्योंकि उनको क्या है कि खाना हम ही लोग दे सकते हैं, वो कहीं से तो लेके आ नहीं सकते, तो उनका भी ध्यान रखो और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, और राशन पानी जितना भी है भाई इकट्ठा मत करके रखो, स्टोर मत करके रखो, जिनको ज़रूरत है उनको भी देना होता है, और भाई बस अपने अपना और अपने आसपास का सबका ध्यान रखो, बाकी सेफ रहो, अपने घर में रहो और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि आप बिजी रहो। ये 21 दिन का लॉकडाउन जो हुआ है इसको जैसे तैसे निकाल दो, तो भाई इसमें आपकी भी सेफ्टी है, सबकी सेफ्टी है। तो भाई जो भी है लाइक सब्सक्राइब कर दो, चैनल शेयर भी कर देना, और इसी के साथ टाटा बाय बाय।